सबको जय सो। प्रिय साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज इस शाम की आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष दें। हमारा प्रभु एक महान परमेश्वर है, जीवन का साथी, जीवन की ज्योति, जीवन में हमारे संग संग चलने वाला, हमारे साथ देने वाला, हर मुश्किल में हमारा मुश्किल कुशा, हमारा रहनुमा, हमारा भला चरवाहा यीशु है। यीशु को अच्छे से जान लेना, ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कोई इंसान यीशु और उसके दुख भोग पुनरुत्थान की महिमा को जान ले, मैं समझता हूं कि ये इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इस संसार में है। क्योंकि अगर आप संत पौलुस को सुनेंगे फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 में, वे कहते हैं कि ईसा मसीह को जान लेना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। तो यानी यीशु को जानना सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे अधिक लाभान्वित बात जो है वो यीशु मसीह को जान लेना है। तो यीशु को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यीशु के बारे में पढ़ना होगा, प्रार्थना करनी होगी, वचन को जानना होगा। जितना वचन को जानेंगे उतना यीशु के बारे में जानते हैं। हर पन्ने में यीशु के बारे में लिखा हुआ है, बाइबल के हर वचन में यीशु के बारे में लिखा हुआ है। तो सर्वश्रेष्ठ लाभ है। और पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु के पुनरुत्थान की गहराई को समझना चाहता हूं, मैं उनके दुख भोग की गहराई को समझना चाहता हूं, अगर उसमें कोई कमी आई है तो मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। सोचिए कितनी बड़ी बात कहते हैं। तो अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि संत पौलुस जो मानते थे वो ये थे कि वो मसीह को जान लें, मसीह को जानना। और मैं समझता हूं कि सारे विश्वासियों की सबसे बड़ी उपलब्धि जो इस संसार में है वो ये है कि वो यीशु मसीह को जान लें, यीशु मसीह के पुनरुत्थान और सामर्थ्य को अनुभव करें। तो आज हम यीशु के बारे में जाने इस आराधना में प्रार्थना करना, प्रभु मुझ पर अपने आप को प्रकट कर। तूने कहा है जो मुझे प्यार करेगा मैं भी उसे प्यार करूंगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम आकर उसमें निवास करेंगे और अपने को प्रकट करेंगे। तो प्रार्थना करें, कहना प्रभु मुझ पर अपने को प्रकट कीजिए, तेरे बारे में और अधिक गहराई से जानने के लिए मुझे कृपा दीजिए, तेरे बारे में और अधिक बातें समझने के लिए मुझे कृपा दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, तेरे दुख भोग को और तेरे पुनरुत्थान को सही से समझने के लिए मुझे आशीष दीजिए, तेरे क्रूस को सही से समझने के लिए मुझे आशीष दीजिए। प्रार्थना करें, प्रभु आशीष बहा, मुझमें ज्ञान की ज्योति जला, मेरे मन की आंखों को खोल कि मैं देख सकूं, मेरे मन के कानों को खोल कि मैं सुन सकूं, मुझ पर दया कर। प्रार्थना करते जाइए, आंखें बंद रखेंगे, प्रार्थना करें, थोड़ी देर मिलकर प्रभु का स्वागत करें अपने बीच में। कहना प्रभु मुझे आशीष दे कि मैं समझ पाऊं, तेरे बारे में समझ पाऊं, यीशु दया कीजिए, कृपा कीजिए, आशीष दीजिए, तेरे बारे में समझने के लिए ज्योति दीजिए, ज्योति दीजिए, ज्योति दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। चलिए आइए हम प्रभु का स्वागत करेंगे अपने बीच में और मिलकर एक साथ गाएंगे। यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति,
यीशु मेरा जीवन साथी है। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah.
प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता हो पर नीचे, प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता हो पर नीचे, प्रभु मेरे आगे पीछे। जोरदार तालियों के साथ हालेलुया हालेलुया मेरी जीवन ज्योति है, अमीन। यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन ज्योति है, यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति जीवन मुक्ति, यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति जीवन मुक्ति, यीशु मेरा जीवन साथी। Hallelujah.
सामर्थवान जीवित उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। प्रभु अपने पूरे जोरों जलाल में हमारे बीच में उपस्थित है। सारी कुवत सारी महिमा उसकी है। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त उसके पवित्र सामर्थ को महसूस करें जो आपके ऊपर मंडरा रहा है। उसका सानिध्य आपके चारों ओर छाया हुआ है। उसके रूह का मसा इस वक्त हम पर उतरे। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु की उपस्थिति में आना, उसकी उपस्थिति में बैठना, उसकी स्तुति करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कितने लोग तरसते हैं इस स्तुति आराधना में भाग लेने के लिए। प्यारे भाई प्यारी बहन, कितने लोग ना जाने प्रभु से दूर भटके हुए हैं। इस वक्त हम समर्पित करें इस संध्या के दौरान विशेष रूप से जिन्हें प्रभु के सामर्थ्य की, चंगाई की, दया की आवश्यकता है, क्षमा की आवश्यकता है। मेरे साथ आप लोग प्रार्थना करते जाएं, आपका घर उसके नूर से भर जाए, आपका घर पवित्र आत्मा की मामूरी से भर जाए, आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों के जीवन पर महिमा छाई रहे। परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, इसलिए आज वो हमसे बात करना चाहता है कि आप और मैं किस तरह से अपने आप को पवित्र और शुद्ध कर सकते हैं। ये सुंदर मौका उसने दिया उसकी हजूरी में आकर उसकी महिमा स्तुति करने का। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, दूर दराज से इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु की रूह का मसा आप पर छाए। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो हमारा जीवन का साथी है, वो हमारे जीवन की ज्योति है, उसके वचन हमारे पांव का दीपक है। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु जानता आप में से बहुत सारे लोग आज कष्ट में हैं, प्रभु जानता आप में से बहुत सारे लोग आंसू बहार हैं, प्रभु जानता है, क्योंकि उसने आपके आंसुओं को देखा। प्रभु का वचन हमें बताता है कि मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा, अब मैं इन्हें पोंछ डालूंगा। प्रभु से कहते जाएं, प्रभु मैं तेरी हजूरी में आया हूं, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी महिमा गाऊंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम को धन्य कहूंगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, कहते जाना, धन्यवाद देना कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। आप जो हैं इस वक्त, ये आपका किसी पुण्य का फल नहीं, परंतु ईश्वर की दया है। प्यारे भाई प्यारी बहन, जो आपको यहां पर लेकर आ गई है, प्रभु से कहना, मैं दिन प्रतिदिन, संध्या के समय, रात के समय तुझे धन्य कहूंगा, सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हमारे ईश्वर, तू महिमा सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है। मैं सारी महिमा अपने परिवार के साथ तुझे देता हूं। आज वो आपके जीवन में कार्य करेगा, आज वो आपको छुटकारा प्रदान करेगा, आज वो आपको उन्नति प्रदान करेगा, आज आपके बिगड़े हुए काम वो संवारेगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, आपके नवजात बच्चों को आशीष देगा, आपकी गर्भावस्था में पड़ी पत्नी को प्रभु ब्लेस करेगा, आज उन लोगों को ब्लेस करेगा जो आईसीयू में पड़े हुए हैं, प्रभु के चंगाई की राह देख रहे हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, जान लीजिए कि प्रभु चंगा करने वाला है, प्रभु सामर्थ्य देने वाला है,
उसका हाथ छोटा नहीं बचाने में समर्थ है। इस वक्त हम उसकी स्तुति करें, महिमा करें, अपनी आंखों को बंद करें, विश्वास की आंखों से हम प्रभु को देखने की कोशिश करें। इस वेदी के ऊपर दूतों और संतों की सेना के साथ मिलकर हम उसकी स्तुति करें। ये स्वर्ग का नजारा इस वेदी के ऊपर आप देखने का प्रयास करें। नित्य प्रतिदिन आपकी जुबान हालेलुया होसाना कहती जाए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो प्रेम से भरा परमेश्वर, करुणा सागर प्रभु, दया से भरा हुआ प्रेम करने वाला प्रभु आपको आज प्रेम करना चाहता है। वो सदा आपको प्रेम करता आया है, वो अनंत काल से आपको और मुझे प्रेम करता आया। समर्पित करते जाना प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, माता पिता को, बुजुर्गों को, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। पवित्र आत्मा हमें उसके सिंहासन पर ले चले, हमें मसा प्रदान करे जिससे कि हमारी जुबान बोले, हमारा मन स्तुति करे, हमारे विचार स्तुति करें, हमारा हृदय आनंद के मारे प्रफुल्लित हो उठे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, और वो हमें अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करे। Oh,
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी दया पर भरोसा करता हूँ, आपकी दया का भरोसा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, जब आप हमारे साथ हैं, जब आप हमारे साथ हैं, तो कौन हमारा विरोध कर सकता है, तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, अत्यंत प्रशंसनीय है, अत्यंत प्रशंसनीय, उसकी महिमा अगम है, उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती, सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती, और तेरे महान कार्यों का बखान करती है, और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। मैं तेरे प्रताप, मैं तेरे प्रताप और ऐश्वर्य का बखान करता हूँ, और ऐश्वर्य का बखान करता हूँ। मैं तेरी महिमा का वर्णन करूंगा, मैं तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, वह सहनशील है, वह सहनशील, अत्यंत प्रेममय है, अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, प्रभु सबका कल्याण करता है। समस्त सृष्टि, समस्त सृष्टि प्रभु पर दया करता है, प्रभु दया करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे भक्त तुझे धन्य कहते हैं, तेरे भक्त तुझे धन्य कहते हैं, तेरे राज्य की महिमा गाते हैं, तेरे राज्य की महिमा गाते हैं, तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू अपनी सब प्रतिज्ञाओं को, तू अपनी सब प्रतिज्ञाओं पूरा करता है, पूरा करता है, खुले हाथों देता है, खुले हाथों देता है। तू जो कुछ करता है, जो कुछ करता है, ठीक ही करता है, ठीक ही करता है। तू जो कुछ करता है, जो कुछ करता है, प्रेम से करता है, प्रेम से करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं, जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं, तू उनके मनोरथ पूरा करता है, तू उनके मनोरथ पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तू उनकी पुकार सुनकर, उनकी पुकार सुनकर उन पर दया करता है, उन पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी दया के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहन, प्रभु ने आज वचन दिया है। प्रभु कहता है, मेरे बच्चों से बोल कि मैं इन्हें कैसे शुद्ध कर सकता हूं, मैं इन्हें कैसे पवित्र कर सकता हूं। तो अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें बताता है, अध्याय 5 पद संख्या 25 और 26। अफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 25 और 26। जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपने पवित्र वचन के मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई, प्यारी बहन, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर किस तरह से हमें शुद्ध करता है। और संत पौलुस लिखता है कि जैसे मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया, उसके लिए अपने आप को समर्पित किया और बपतिस्मा के संस्कार के द्वारा, स्नान संस्कार के द्वारा, जल और पवित्र आत्मा से वो मुझे और आपको शुद्ध करता है। अपने वचन से वो मुझे और आपको शुद्ध करता है। कई भाई बहन पिछले लंबे समय से इस आराधना के दौरान प्रभु का वचन सुनते आए, वचन यहां से इस वेदी से सुनाया जाता है, लेकिन आप उसे सुनकर चंगा हो जाते हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन,
ये उसके वचन का सामर्थ है। ये प्रभु आपको शुद्ध करता, चंगा करता है, पवित्रता प्रदान करता है और चंगाई देता है, बल प्रदान करता है, क्योंकि उसने चाहा कि आप उसके पवित्र वचन के द्वारा उसे सुनकर अच्छे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। और इसी तरह से वो कलीसिया को शुद्ध करता है, ना केवल वचन से परंतु स्नान संस्कार से। वो हमें आदि पाप के कलंक से मुक्त करता है। जितने भी लोग उसका नाम स्वीकार करते हैं, जैसे कि वचन में लिखा योहन के सुसमाचार अध्याय 1 कि जितनों ने उसको स्वीकार किया, जितनों ने उसमें विश्वास किया, वो सब के सब प्यारे भाइयों और बहनों उसकी संतति बन गए। उन्होंने सब ने प्यारे भाइयों और बहनों उसकी दया को प्राप्त किया। इसलिए जब मैं और आप ये वचन सुनते हैं तो ये हमें शुद्ध करता है। तो ईश्वर ने पहले से ही निश्चित किया था कि जिन्हें उसने पहले से समझा वो उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने आपको और मुझे प्रारंभ से ही चुन लिया था, जिससे कि मसीह के प्रायश्चित और उसके बलिदान के द्वारा, उसके त्याग के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा आप और मैं शुद्ध कर दिए जाएं, उसके पुत्र पुत्रियां बना दिए जाएं। और उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो, यह ईश्वर की इच्छा थी प्यारे भाई और बहनों। इसलिए वचन हमें बताता, परमेश्वर ने चाहा कि ईसा मानव जाति के लिए मेरे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित करे। इसलिए उसने मेरे और आपके लिए यीशु को बलिदान होने से भी नहीं हिचके और उन्हें बलिदान होने दिया। तो यह पवित्रीकरण, शुद्धिकरण एक दिन में नहीं होता है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरह से हम अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में शाम को नहाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, परंतु पुनः हमारा शरीर गंदा होता और पुनः हम स्नान करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी इस संसार के माया मोह में फंसी रहती है। हम इस संसार के प्रलोभन में गिरते रहते हैं। तो जब हम उसकी हुजूरी में आते, संस्कारों को हम ग्रहण करते हैं, अपना मन उसकी ओर उठाते हैं और वचन को सुनते हैं, उसे समझते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, तो वो वचन मुझे और आपको शुद्ध करता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप ने नहीं, परंतु ईश्वर के शब्द ने तुम्हें चंगा किया है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ईश्वर का शब्द आपको और मुझे चंगा करता है। जो सुनाता है उसको और जो सुनता है उसको। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और संत पौलुस समय बताता है कि जो सुनाया जाता है वो ईश्वर का वचन है, क्योंकि वो उसमें आत्मा और जीवन है, इसलिए वो आपको शुद्ध करता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, हे प्रभु यीशु, यीशु प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के मेरे जीवन में, मेरे जीवन में पवित्रता आ जाए, पवित्रता आ जाए, उद्धार आ जाए, उद्धार आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा, ये एक प्रक्रिया है, दिस इज अ प्रोसेस। जब मैं और आप इस प्रक्रिया में बढ़ते जाते हैं तो हमारा मन और आत्मा और शरीर शुद्ध होता रहता है और ईश्वर में हमारी कृपा का लेवल बढ़ता रहता है। अब आप जरा विचार कीजिए कि जब आप 15 साल के थे तो उस समय आपको प्रभु का कितना ज्ञान था, उस समय आपका विश्वास कैसा था, और जब आप 20 साल के हुए तब आपका विश्वास कैसा है। जब आप 25 साल के हो गए और लगातार आप प्रार्थना में बढ़ते रहे तो अब आपका विश्वास कैसा है। अब आप 30 के हो गए हैं, उसके बाद 40 के हो जाएंगे, नित्य प्रतिदिन वचन को पढ़ते रहे
आराधना में भाग लेते रहे, धर्म के कार्यों को आप करते रहे, प्रभु के साथ जीवन बिताते रहे, तो 40 साल 50 साल के बाद आपकी कृपा का लेवल स्वाभाविक रूप से बढ़ा होगा। प्यारे भाई और बहनों, आपका अनुभव, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी जिम्मेदारियां और आपकी आशीष, उसे आप स्वयं काउंट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए वचन के द्वारा लगातार ईश्वर हमें तैयार करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें बाहरी किताबें, लोगों के द्वारा दी गई सलाह हमें कुछ क्षण के लिए आनंद दे सकती है, कुछ क्षण के लिए आपके कोर्ट कचहरियों के मुद्दे सुलझा सकती है, कुछ क्षण के लिए आप कुछ शब्द बोलकर अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं, लेकिन परमानेंट आनंद नहीं खोज सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। सांसारिक शिक्षा आपको आपके जीविका चलाने के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं। प्रभु का वचन हमें अपने जीवन में शांति, चंगाई, मुक्ति और जीवन प्राप्त करने का वो साधन है, वो हथियार है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे कि परमेश्वर हमें देना चाहता है और उसने हमें दिया है। इसलिए संत पौलुस लिखता है, सुंदर वचन हम पढ़ते हैं, कुरिंथियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18, सेकेंड लेटर टू द कुरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 18। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जहां तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित होते जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ध्यान देना प्रभु आपसे क्या कह रहा है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये एक प्रोसेस है, और संत पौलुस समय बता रहा है कि जब कोई परमेश्वर की ओर अभिमुख हो जाता है, उसे देखने लगता है, उसे सुनने लगता है, उसका वचन पढ़ने लगता है, तो वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे उसकी आंखों से पर्दा हटने लगता है। और जब पर्दा हट जाता है, किस बात का, लोभ का, लालच का, स्वार्थ का, हर प्रकार की गंदगी का, हर प्रकार के बुरे विचारों का, हर प्रकार की कठोरता का, हर प्रकार की ईर्ष्या का, हर प्रकार के द्वेष का, तो तब हम क्या होता है हमारे जीवन से, ईश्वर का प्रतिरूप प्रतिबिंबित होने लगता है। इसलिए यह प्रक्रिया है। इसलिए एक दिन आराधना में बैठकर दूसरे दिन कहीं चले मत जाना, एक दिन प्रार्थना में गया 10 दिन नहीं गया, ऐसा मत करना, क्योंकि आप ईश्वर की महिमा से वंचित हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, तो अगर कोई सफलता चाहता है, अगर कोई परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चाहता है, अगर कोई उसकी हुजूरी में रहना चाहता है, कृपा के लेवल में बढ़ना चाहता है, तो प्यारे भाई प्यारी बहन, इस प्रोसेस में लगातार बढ़ते रहना। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक छोटा बच्चा सबसे पहले वो आंगनबाड़ी में जाता है, उसके बाद नर्सरी क्लास में जाता है, तत्पश्चात वो LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और प्यारे भाइयों और बहनों, डॉक्टर की उपाधि धारण करता है और वो दक्षता हासिल करता है। मेरा और आपका जीवन भी वैसा ही है। जब हम विश्वास में नए होते हैं तो हम नर्सरी क्लास में बैठे हुए बच्चे के समान होते हैं। इसलिए विश्वासी को तन से, मन से, हृदय से, पूरी आत्मा से प्रभु के वचन को सीखना
उसको जानना, उसकी इबादत में उठना बैठना सीखना अनिवार्य है, और ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के दौरान आप शुद्ध होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे, और धीरे धीरे उसकी महिमा आपके शरीर से प्रतिबिंबित होती रहेगी और वो आपको मसा करता रहेगा। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा, आपकी महिमा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में प्रकट होने पाए, प्रकट होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए सुंदर वचन हमें इब्रानियों के पत्र में पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 12, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, तो वह हमारी आत्मा के अंतरतम में पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। कई बार क्या होता है, हम अनभिज्ञ रहते हैं इन बातों से, वी आर नॉट अवेयर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स। हमारी समझ से और हमारे अनुसार वो सब अच्छी हैं, लेकिन वो हमारे हृदय में छुपी हुई हैं, वो अंदर ही अंदर रहती हैं प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन जब हम वचन सुनते हैं तो अब हमें लगता है कि प्रभु हमें शुद्ध करना चाहता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बेईमानी करके अपने घर में धन एकत्र करता आया है, जमा करता आया, या बेईमानी या घूसखोरी या किसी भी प्रकार के बुरे कामों के द्वारा वो अपने घर में हर चीज को एकत्र करता आया, लेकिन अभी तक वो वचन से अनभिज्ञ था, और वचन जो दुधारी तलवार के जैसा है, अगर वो इस बात को सुन लेता है कि पाप की कमाई घर में संकट पैदा करती है या विपत्ति लाती है, तो अवश्य ही ये वचन उसे काटता है और वो प्रायश्चित करता है। जबकि उसके जीवन में भी ऐसा ही हुआ, उसे लगा सब कुछ ठीक है, जैसा वो कर रहा वैसा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही यीशु का वचन उसने सुना, देखना चाहा, तो उसका जीवन बदल गया। प्यारे भाई और बहनों, शुद्धिकरण का वो प्रोसेस जो था, प्रक्रिया जो थी, वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो अंतिम चरण में पहुंच गई जब यीशु उसके घर में आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, इस घर को शांति, आज इस घर में शांति का, मुक्ति का आगमन हुआ है। जकेउस कहता है, जिसका मैंने लूटा था उसे 4 गुना वापस करता हूं, अपनी संपत्ति का आधा भाग बेचकर मैं गरीबों में बांटता हूं, और वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है प्यारे भाई और बहनों, पवित्रता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो वचन जो आत्मा और जीवन है, यही कार्य करता है जब आप उसे सुनते हैं। कहानियां आपका जीवन नहीं बदलेंगी, चुटकुले आपका जीवन नहीं बदलेंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप याद रखना, अगर कोई चीज आपको बदल सकती है तो केवल और केवल परमेश्वर का वचन, क्योंकि ये दुधारी तलवार है, ये सशक्त है, इसमें जीवन है, ये आत्मा की तलवार है, इसमें आत्मा है। प्यारे भाई बहन, ये आपका जीवन बदलेगी, ये मेरा जीवन बदलेगी, और इनफैक्ट इसने बदल दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह आनंद प्रदान करेगा, क्योंकि यह घावों पर लगाने वाला मरहम है, यह सांत्वना देने वाले शब्द हैं, यह सत्य को प्रमाणित करने वाले ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्द हैं, यह वो शब्द जो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटते हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, इसलिए यदि आज कोई चंगा होना चाहता है, यदि आज कोई शुद्ध होना चाहता, यदि आज कोई प्रायश्चित करना चाहता है, तो सच्चे हृदय से प्रभु से मांगना प्यारे भाई बहन, वो आपको जीवन में वरदान प्रदान करेगा। तो जब आप और मैं रोज इस वचन को सुनते हैं, तो याकूब इसके विषय में लिखता है कि केवल सुनने से नहीं, केवल श्रोता बनने से नहीं, परंतु उसके पालनकर्ता भी बनने से आपका उद्धार होगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं वचन पढ़ूंगा याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 22, लेटर ऑफ सेंट जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें,
वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन मेरे पीछे दोहराएंगे, दाहिना हाथ उठाकर, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, आप अपने को धोखा नहीं दें, धोखा नहीं दें। वचन के श्रोता ही नहीं, वचन के श्रोता ही नहीं, बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने, पालनकर्ता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है, वचन सुनता है, किंतु उसके अनुसार, किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है, उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है, दर्पण में अपना चेहरा देखता है, वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता, और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है, उसका अपना स्वरूप कैसा है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति प्रदान कीजिए, पवित्रता प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन क्या कह रहा है? वचन ये कह रहा है, अध्याय 1 पद संख्या 25 में हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति संहिता पर चलता है, जो पूर्ण है और वो उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है। और प्यारे भाइयों और बहनों, वचन आपको विपत्ति में धैर्य बंधाता है। क्या करता है? विपत्ति में धैर्य बंधाता है। ये आप लोग जान ले, बहुत सारे लोग इस आराधना के दौरान आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हैं लेकिन उन्हें चंगाई प्रभु का वचन सुनने से मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, क्यों? क्योंकि ये वचन हृदय के अस्पष्ट आहों को जानता समझता है और हमारे सबकॉन्शियस लेवल में जो अपराध बोध दबा हुआ है उसे ये उजागर करता है और लोगों को प्रायश्चित के लिए बुलाता है। इसलिए लोग चंगे होते हैं, आंतरिक रोगों से, आंतरिक पापों से, आंतरिक बीमारियों से प्यारे भाइयों और बहनों चंगाई प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे शांत बना देता है। वो हमें काउंसल करता है, हमें सलाह देता है। इसलिए वचन याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, भाइयों जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझना। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। क्या करता है? धैर्य उत्पन्न करता है। यदि कोई बीमार है, दुख में है, रोगशैया पर है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसे कोई आशा नहीं है, तो ऐसे समय में उसका विश्वास इस विपत्ति में, दुख में उसे धैर्य बंधाता है। यह प्रभु आज मुझे और आपको शिक्षा दे रहा है, ये प्रभु मुझे और आपको आज सिखाना चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे अपने वचन से शुद्ध करूंगा, मैं उससे तुझे चंगा करूंगा। इन वचनों के द्वारा मैं तेरे घावों का इलाज करूंगा, मैं तेरे घावों पर पट्टी बांधूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 12, धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, दुख में मुझे धैर्य प्रदान कीजिए, मेरे विश्वास को दृढ़ता प्रदान कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सुना आपने ध्यान से कि अगर कोई व्यक्ति विपत्ति में है, दुख में है, तो उसका विश्वास उसे इस विपत्ति में क्या करता है? धैर्य बंधाता है। लेकिन इसके विपरीत अगले वचन में लिखा है, प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। नहीं, ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और ना किसी को प्रलोभन देता है।
ना वो ठग सकता है और ना ही ठगा जा सकता है। ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों आज आप अपने साथ लेकर जाना, प्रभु को दोष नहीं देना। कई भाई बहन शिकायत करते हैं, थोड़ा सा कर्जा बढ़ गया, थोड़ी सी परेशानी आ गई, धैर्य खो बैठते हैं और बोलते मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा तो मरना ही समय होगा, क्योंकि मैं अभी कर्जा अदा नहीं कर सकता हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, कहां से लाऊं, शादी कैसे करूं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और निराश हो जाता, कोसने लगता। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी परिस्थिति में आपका विश्वास आपके जीवन में धैर्य उत्पन्न करता है, क्योंकि हमारे विश्वास की परख प्यारे भाई प्यारी बहन दुख में होती है, हमारे विश्वास की परख कष्ट में होती है। जैसे सोना भट्टी में जलाया जाता है और वो पिघलता है और वो शुद्ध होता है, विश्वासियों की परख, विश्वासियों के जीवन की परीक्षा, उनकी परख प्यारे भाइयों और बहनों विपत्ति की भट्टी में होती है। इसलिए मसीह लोग ये ना सोचें, ये ना समझें कि दुख उनसे दूर चला जाएगा। हम इंसान हैं और सिक्के के दो पहलुओं के जैसे सुख और दुख हमारे जीवन के साथ जुड़ा रहेगा, परंतु आपका बड़प्पन इस बात में होगा कि विपत्ति में आपका विश्वास कितना दृढ़ है। कई लोग छोटी छोटी बातों से निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, माँ बाप से झगड़ने लगते हैं, आपस में पति पत्नी मनमुटाव करने लगते हैं, घर में कोई बात नहीं हुई तो झगड़ा करने लगते हैं, बाहर का गुस्सा आकर घर में दिखाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, उनका दिल बड़ा छोटा होता है, बहुत छोटा, क्योंकि विश्वास बड़ा कमजोर है, उनका विश्वास बड़ा कमजोर, क्योंकि वचन सुना नहीं, उसे आत्मसात किया नहीं, इसलिए वो विपत्तियों से भागने लगते हैं। जितना आप समस्या से दूर भागने की कोशिश करेंगे उतना वो आपको भगाएगी, जितना आप चुनौतियों से दूर भागेंगे उतना वो आपको भगाएंगी, और जितना आप सामना करने के लिए तैयार हैं उतना ही आप विजय प्राप्त करेंगे। ये प्रभु आपको सिखाना चाहता है आज। प्रभु कहता है बेटा, समस्याओं से भागने में तेरा कल्याण ना होगा, समस्याओं से भागने में तेरा कल्याण ना होगा, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, यदि तू मुझ में रहे तो मैं तुझ में रहूंगा, और देख मैं तेरी ओर से युद्ध लड़ूंगा और मैं तुझे पवित्रता, शुद्धता और विश्वास का वरदान, दृढ़ता का वरदान प्रदान करूंगा। बोले आमेन। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए आप लोग इस वचन के द्वारा नित्य प्रतिदिन शुद्ध किए जा रहे हैं, आपकी कृपाओं का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचिए, जिसने कंटिन्यूस पिछले 10 महीने से अनेक YouTube चैनल पर आराधना में भाग लिया, वचन सुना, और बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री के द्वारा जो वचन सुनाया गया उसको सुना, तो आपकी कृपा का स्तर कितना बढ़ा है आप इस बात का अंदाजा लगाइए। हो सकता है आपके जीवन में कष्ट रहा होगा, हो सकता है कि आपके जीवन में कर्ज रहा होगा, हो सकता बीमारी रही होगी, हो सकता मन मुटाव रहे होंगे, हो सकता बच्चे आपका आदर ना करते हों, हो सकता माता पिता में, दाम्पत्य जीवन में प्यार ना रहा होगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि ये वचन ने उनके जीवन में आशीष प्रदान किया, दुगना मसा प्रदान किया और आपको शुद्ध किया है, पवित्र किया है। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु इस वक्त कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, तू दुखों से घबराना मत, कष्टों से घबराना मत, ये सब तेरे शुद्धिकरण के पैमाने हैं, ये सब तेरे पवित्रीकरण के पैमाने हैं, तुझे पवित्रता में ऊंचा उठाने की ये एक साधन है जो वचन मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि इसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो, तो ये वचन आपको और मुझे शुद्धता प्रदान करता है, आत्मा प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है। इसलिए एक वचन पढ़ेंगे, मेरे पीछे दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है,
प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा, उससे मत डरो, उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा, कुछ को कैद में डाल और देगा, और तुम लोग दस दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हल्लेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु हमें शुद्ध करता है। किस तरह से शुद्ध करता है ये आपने जाना, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, स्नान संस्कार के द्वारा, और अपने रूह के मसा प्रदान करने से वो हमें शुद्ध करता है। हमारे धार्मिकता के कार्यों को आशीष प्रदान करता है, और जब हमारे ये कार्य हमारे आगे आगे चलते हैं, उसकी महिमा, उसकी पवित्रता हमारे पीछे पीछे दौड़ती आती है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, यह सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है, उसकी महिमा करें, स्तुति करें, उसका आत्मा हम पर अधिकार लें। और इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। जो वचन मैंने और आपने सुने हैं, आज इन वचनों के द्वारा हमारे परिवार में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। विशेष रूप से जो प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है बीमारों के लिए प्रार्थना करने की, उनके लिए प्रायश्चित करने की, इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु का आत्मा आज आप लोगों को स्पर्श करें, आप लोगों को स्पर्श करें। आप में से बहुत सारे लोगों ने आज जो वचन ग्रहण किया है उसके द्वारा आप शुद्ध हो रहे हैं। कोई है जो इस वक्त प्रभु का वचन सुनकर अपने पुराने पापों को याद कर बैठा है। प्रायश्चित करते जाना प्यारे भाई, प्यारी बहन। अब तक मेरे और आपके लिए सब कुछ सही लगता था, लेकिन हो सकता है वचन की शिक्षा के अनुसार वो सही नहीं है। प्रभु से हम कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगाई प्रदान कर। प्रभु कहता है अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 7 कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा, इतना उज्जवल होगा, इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा बहुत साधारण लगेगी। द लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू टुडे, द लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू, ही इज गोइंग टू अनॉइंट यू, ही इज गोइंग टू अनॉइंट यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपका शोक आनंद में बदल रहा है। प्रभु आप में से बहुत सारे लोगों को पवित्रता प्रदान कर रहा है, जीवन के हर छोटी छोटी बात को प्रभु शुद्ध कर रहा है। आइए हम समर्पित करें, समर्पित करते हुए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं, चंगाई की प्रार्थना में हम भाग लें और प्रभु हमें छुटकारा प्रदान करें। अंधे देखते हैं
देखते हैं। आत्मा
सीने से लगाएं, सारी गंदगी को अपने शरीर से निकलते हुए देखें, अपने शरीर से हर प्रकार की बदकारी, हर प्रकार की दुष्टता, धृष्टता की आत्मा, दुष्ट गंदी शक्तियां, यीशु के पवित्र नाम से बुरे विचार, बुरी ताकतें, हर प्रकार की बदकारी, मानवीय कमजोरी आपके शरीर से इस वक्त निकल कर क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। आई डिस्कनेक्ट एवरी ईविल स्पिरिट, every evil power from your family, from your life, from your body, right now, यीशु के पवित्र नाम से सारी दुष्टता हमारे जीवन से, उसके पवित्र सामर्थ्य से दूर हो जाए, right now, be healed, be cleansed with the blood of Jesus, be healed with the blood of Jesus, right now. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, वो कहता, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया है, मैंने तुमको शुद्ध किया और चांदी की तरह आग में नहीं बल्कि विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया, मैंने तुम्हें दुख दिया, उस दुख में मैंने तुम्हें परखा, तुम्हारे विश्वास की और धैर्य की परीक्षा मैंने ली और तुमको शुद्ध किया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु का आत्मा हम पर छाया हुआ, वो आत्मा मेरे और आपके ऊपर मंडरा रहा, जैसे पेंतेकोस्त के दिन उसने सामर्थ दिया, आज आपके परिवार को सामर्थ से भरपूर करे। कोई है जो इस वक्त घूस लेता था, आज प्रभु ने उसे इस दुष्ट शक्ति से, इस बुरी आदत से दूर जाने का वरदान दे दिया है, प्रभु ने आपको शुद्ध कर दिया। प्यारे भाई, इस वचन को ग्रहण करना, प्रभु का सामर्थ्य तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरी बिजनेस में, तेरे काम काज में, तेरे बच्चों के जीवन में आए और तुझे उन्नति प्रदान करे। क्योंकि प्रभु कहता है, अगर तुम पश्चाताप करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और तुम मेरे पास आओगे तो शुद्ध हो जाओगे, तुम मुझ में रहोगे तो मैं तुम में रहूंगा, और तुम्हारी पिछली दशा बहुत तुम्हें साधारण लगेगी, क्योंकि तुम्हें जो मैं देने वाला हूं, प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु वो आपसे वादा करता है, वो कहता है तेरा चेहरा खिल उठेगा। जितने लोगों के चेहरे आज उदास हैं, यीशु के पवित्र नाम से वो खिल जाएं, बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहता है तुम्हारे होंठ आनंद के गीत गाएंगे, बोले आमेन, 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 आमेन। क्योंकि अय्यूब कहता है अध्याय 19 पद संख्या 25 में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है। प्रभु हमारा जीवित है, प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो जीवितों का परमेश्वर है, इसलिए वो मुझे और आपको स्नान कराता है वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो शुद्ध करता है। इसलिए अय्यूब लिखता है, मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा, बोले आमेन, आमेन।
आमीन। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप जीवित हैं, जीवित हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया हालेलुया। आप अपने भक्तों के पास, आप अपने भक्तों के पास डेरा डालते हैं, डेरा डालते हैं। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ अपने माता पिता के लिए, माता पिता, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बुजुर्गों, अपने भाई बहनों के लिए, अपने भाई बहनों, अपनी संतान के लिए, अपनी संतान, जो रोग शैया पर है, रोग शैया पर, उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु से निवेदन करें कि वो हमें चंगाई प्रदान करें, प्रायश्चित करें, इस वक्त वो हमें स्पर्श करें और अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएं, शुद्ध होते जाएं। प्रभु का लहू आपको सिर से लेकर पांव तक शुद्ध कर रहा है, वो लहू की धारा जो क्रूस से बहती गई, जिसने मुझे और आपको बचाया, आज वो आपके घर में इस वेदी से बहती चली जाए, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बिजनेस में प्रभु ये बहती चली जाए। तेरे ये बच्चे आज पवित्रता में जीवन जीने लगे, शुद्धि का जीवन जीने लगे, इनके घरों में, इनके बिजनेस में प्रभु तेरी आशीष उतरे। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को प्रभु रूह का मसा और ज्ञान प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर। प्यारे भाई प्यारी बहन, आइए प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को गाएं। तेरा लहू, 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 लहू हमें शुद्ध करता, पवित्र करता है। प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में
इस लहू को अपने शरीर पर लगाएं। आपको जहां कहीं तकलीफ है वहां पर लगाएं विश्वास के साथ। अगर किसी को रसौली है पेट में, पथरी है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, अशांत है, तो अपने शरीर के उस अंग को स्पर्श करें। प्रभु आपको सांत्वना देगा, चंगाई प्रदान करेगा। प्रभु कहता विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे, क्योंकि वो प्रभु अपने शब्द मात्र से चंगा करता है। वो कहता है मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं कि तेरी रसौली तुझे छोड़े और जाए। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तू उठे और चले फिरे, मैं चाहता हूं तेरा पाप क्षमा हो गया है, तू शुद्ध हो गया, अपनी खाट उठा और घर जा। सूखे हाथ वाले से उसने कहा, अपना हाथ बढ़ा, उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने विश्वास के साथ उसका पल्ला छुआ और उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया। वो शक्ति उसके अंदर से बहती थी। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वेदी से उसका सामर्थ बहकर आपकी ओर चला आ रहा है। जो विश्वास करेगा उसकी महिमा देखेगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का वचन हमें बताता, उसने शब्द मात्र से सृष्टि की रचना की। उसने कहा एक प्रधान नक्षत्र दिन में रोशनी के लिए आसमान पर हो जाए, तो वो हो गया। प्यारे भाई प्यारी बहन, उसके कहने से रात और उसके कहने से दिन, उसके कहने से समुद्र थम जा तो थम जाते थे। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये मसा आपके जीवन में इस वक्त प्रभु प्रदान कर रहा है। आप जितने लोग आज निराश हैं, निसंतान दंपति हैं, कई लोग इस वक्त घुटने टेक कर रो रो कर प्रायश्चित कर रहे हैं, प्यारे भाई प्यारी बहन, ईश्वर के राज्य में देर अवश्य हो सकती लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि वो अपने वचनों का, वादों का पक्का है। वो अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है। इसलिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज इस दिन में जितने भी लोगों ने इस आराधना में भाग लिया, वचन सुना और प्रभु की इबादत कर रहे हैं, यदि आप में से कोई बीमार है तो आज प्रभु चाहता है कि आप शुद्ध हो जाएं, आपकी बीमारियां आपको छोड़े और जाएं, आपके बिगड़े हुए काम पूरे हो जाएं, आपके दफ्तर के काम पूरे हो जाएं यीशु के पवित्र नाम से। आपकी फाइलें जो दफ्तरों में लंबे समय से पड़ी हुई है वो पूरी हो जाए, जिनमें सिग्नेचर होने बाकी हैं, यीशु उन फाइलों को उस अधिकारी का हाथ पकड़कर लिखे। यीशु के पवित्र लहू से दुष्ट आत्माओं से, तंत्र मंत्र जादू टोने की हर प्रकार की बदकारी से आप आजाद हो। प्रभु कह रहा मेरे भाई मेरी बहन मेरे बच्चे, आज तू वचन का सुनने वाला नहीं परंतु उसका करने वाला भी बन, उसको सुनाने वाला बन और उसमें विश्वास करने वाला बन, और वो तेरी सारी मन्नतों को पूरा करेगा। इस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे भाई प्यारी बहन, जो आंतरिक चोटों से ग्रसित हैं, जिनके जीवन में बड़ा अपराध बोध है, पुराना जीवन उनके लिए एक अपराध बोध के कारण उनको काटता है, अपने भाई अपनी बहन अपनी माँ अपने बाप को क्षमा करने में असमर्थ है। किसी ने आपको चोट पहुंचाया है तो आप उसको क्षमा करने में असमर्थ हैं। इस वक्त प्रभु यीशु आपको आंतरिक चंगाई प्रदान करे। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्षमा करने में असमर्थ हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, अपने दोनों हाथों को सीने पर लगाएं। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आंतरिक चंगाई हमें प्रदान कर, रूह का मसा हमें प्रदान कर, हमारे होठों को, शरीर आत्मा हृदय आंखों को कानों को शुद्ध कर। आंतरिक चंगाई दाता आ जाओ, ईश्वर के पुत्र तुम आ जाओ।
निसंतान दंपति हैं, घुटना टेकें, हाथों को उठाएं, प्रायश्चित करते हुए आपके जीवन से हर प्रकार का कमी कमजोरी, हर प्रकार की शारीरिक कमजोरी, हर प्रकार के गर्भ के सूजन, शुक्राणुओं की कमी, यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से शुद्ध हो जाएं, उन्हें सामर्थ्य मिले। मैं हर प्रकार के दुष्ट और अंधकार की शक्तियों को आपके शरीर, आत्मा, हृदय, परिवारों, आपके पुराने जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ राइट नाउ। उसके वचन के सामर्थ्य से अधिकार लेता हूँ। यीशु आपको चंगाई प्रदान करे, संतान का वरदान प्रदान करे। जितने भी दंपति हैं जो संतान के लिए तरस रहे हैं, हाथों को उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, आंतरिक चंगाई प्रभु हमें प्रदान कर, हमारी नसों को प्रभु मजबूती दे, हमारी नसों में ताकत आने पाए, हमारे शरीर के हर एक कण कण में तेरा वास हो और सामर्थ्य मिले और संतान का वरदान मिले। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आ करके चंगा कर दीजिए हो। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आ करके चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई कर रहे हैं सामूहिक रूप से, जितनी भी नौजवान, नवयुवक और युवतियां शादी के लिए वर और वधु खोज रही हैं, प्रभु आपको शुद्ध करे, पवित्र करे। रूह का मसा आपके परिवार में उतरे, हर प्रकार के बंधन से, श्रापों से आपको आजाद करे, आपको मुक्त करे। पवित्र आत्मा आप पर अधिकार ले। आपके शादी में जो भी रुकावटें हैं, मंगनी में जो भी रुकावटें हैं, यीशु मसीह इस वक्त अधिकार लीजिए। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो शादी करना चाहते, घुटना टेकें, दोनों हाथों को उठाएं, यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर करे और अपनी योजना को आपके जीवन में प्रकट करे। जो जोड़ा आपके लिए बनाया गया है उसे इस वक्त प्रेरणा मिले और आपके सारे रुकावटें, सारे बंधन उसके पवित्र सामर्थी नाम से जल कर राख हों और सारे बंधन टूटे, श्रापों से आजाद हो, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से आप आजाद हो। प्रभु यीशु आपको क्षमा करे और आपको आशीष प्रदान करे। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आ करके चंगा कर दीजिए। असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, रसौलियों की बीमारी, पथरियों की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी, सूजन की बीमारी, रीढ़ की हड्डी में जो बीमारी है, घुटनों में जो दर्द है, गठिये की बीमारी, जिनके यूरिक एसिड बढ़े हुए हैं, इस वक्त समर्पित हो जाएं। आपके जीवन में यदि कोई बंधन है तो उसे खोलिए, क्षमा करते जाएं,
बहुत सारे समस्याएं जिन्हें आप अपने दिमाग में लेकर ढो रहे हैं, आप चिंता में डूबे हुए हैं, आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा कर दीजिए और आपको क्षमा किया जाएगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त अगर ये व्यक्ति मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इस वक्त आप घुटना टेकें, घुटना टेकें और विश्वास के साथ प्रभु की चंगाई और मसा ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो रोग शैया पर सांत्वना देता और वो रोगी का बिस्तर बदलता है। प्रभु रोग शैया पर सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है। स्त्रोतकार कहता है कि तुम में से बहुत सारे लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए थे, तुम में से बहुत सारे लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए थे। प्रायश्चित करते जाना, प्रभु आपको आज आशीष प्रदान कर रहा है, वो आपको मसा कर रहा, आशीष दे रहा है। प्यारे भाई प्यारी बहन, जितना ले सकते उतना लीजिएगा। प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु की चंगाई आपके शरीर और परिवार में बहती जाए। आंतरिक चंगाई दाता की तलाश में है, इस वक्त घुटना टेके। नौजवान नवयुवक और युवतियां, कई लोग बेरोजगार हैं, घर में आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं। आपकी आर्थिक तंगियां प्रभु जानता है, आपके फाइनेंशियल बॉन्डेजेस इस वक्त टूटे हैं। राइट नाउ यीशु के पवित्र नाम से आर्थिक तंगी का बंधन, आर्थिक तंगी का श्राप, आपके बंधन आपके जीवन से टूटे। अगर किसी को आपने ठगा है, किसी का आपने लिया है, घूस लिया है, अन्याय की कमाई घर में लाई, प्रायश्चित करते हुए जकेउस के समान लौटा देना। प्यारे भाई प्यारी बहन, आपके घर में मुक्ति आएगी, शांति आएगी और प्रभु आपकी देखभाल करेगा। मैं आपको वादा करता हूँ, आपको वादा दिलाता हूँ, आपका घर उन्नति प्राप्त करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है ईमानदारी और वफादारी दोनों अपने गले में डाले रहो, तुम्हारी धार्मिकता आगे आगे और मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त आर्थिक तंगियों के बॉन्डेजेस टूटे यीशु के पवित्र वचन से, उसके पांचों घावों के द्वारा, पवित्र सलीब पर फतेह के द्वारा आर्थिक तंगी हर प्रकार से आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को छोड़े और जाए। हर प्रकार के श्राप आपके जीवन से टूटे, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या, पापों के श्रापों के बंधन टूटे और प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। दंपति इस वक्त घुटना टेके, माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते जाएं। जाने अनजाने में अगर आप प्रभु से दूर चले गए थे, इस वक्त प्रभु की कृपा मांगे, उसका सानिध्य महसूस करें, उसकी कृपा आपको घेरे हुए। प्रभु आप सबके ऊपर एक एक पर हाथ रखकर आपको चंगाई और आशीष प्रदान कर रहा महसूस करना। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त महसूस करना आपके रिश्तों में जो खटास है, जो मनमुटाव है, प्रभु उसे दूर कर रहे हैं।
कोई है जिसका पैसा डूबा हुआ है, खोया हुआ, खो गया है, उन्हें धोखा दिया गया है, इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करना और प्रभु आपको सांत्वना दे रहे हैं कि वो आपके इस कार्य को पूरा करेंगे, आपको पुनः उन्नति प्रदान करेगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त कोई है जो अपने काम में सफलता नहीं प्राप्त कर रहा, इस वक्त आपको प्रभु ब्लेस कर रहे हैं, आपके काम में आपको उन्नति प्रदान कर रहे हैं। अपने पुरोहितों, धर्माध्यक्षों, प्रचारकों, पासवानों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते जाना। सर्वोत्तम वरदान जो प्रभु ने आपको दिया है उसमें बने रहना और अपनी भेंट लेकर प्रभु को समर्पित हो जाना। इस वक्त ये आशीष का समय होगा। आइए हम घुटनों पर आ जाएं, अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुमारी माता मरियम, संत मिखाएल महादूत और दूतों संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों पर और ताकतों पर अधिकार लेता हूँ। इन्हें आदेश देता हूँ तेरे पवित्र लहू से, वचन के द्वारा, पवित्र पांच घावों के द्वारा, सलीब पर फतेह की योग्यता से, तेरे इन बच्चों के जीवन से हर प्रकार की दुष्ट शक्तियां, अंधकार की शक्तियां प्रभु यीशु निकल कर दूर चली जाए। तू इन्हें अपने पवित्र हाथ से स्पर्श कर, रूह का दुगना मसा प्रदान कर, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, तेरे पुत्र के सामर्थी नाम से हर बीमारी से इन्हें आजाद कर। जादू टोने की दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र की दुष्ट आत्मा तेरे पावन लहू से जलकर राख हो जाए। हर प्रकार की असाध्य रोग बीमारियां, रक्त स्राव की बीमारी, लिकोरियां, मोतियाबिंद, रसौलियां तेरे पवित्र नाम से जलकर राख हो और तेरे बच्चे ये उद्धार पाए। इनके घरों पर तेरा आशीर्वाद उतरे, इनके खेत खलिहानों, इनके मवेशियों पर, इनकी संतानों, इनके बिजनेस, इनकी संस्थाओं, इनकी दुकानों पर आशीष प्रदान कर। जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई उन्हें क्षमा कर दीजिए अब्बा पिता। अपने पुत्र के सामर्थी नाम से हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। तेरा वचन कहता है तू वो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं अपने दास की प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। तू अपने दास के मुख से निकले हुए हर एक शब्द को प्रमाणित कर दे और अपनी रूह का दुगना मसा तेरे इन बच्चों को प्रदान कर। आज की संध्या के समय जितनों ने तुझे ग्रहण किया है, तेरे वचन को आत्मसात किया है, ये उद्धार पाए और तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। हे प्रभु जी, हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर जिससे हम तेरी हुजूरी में आकर तेरी महिमा यूं ही करते रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आइए सिरों को झुकाएं, प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। यीशु मेरे ना, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर,
मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी स्तुति। सर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करते जाइए। सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और एक साथ मिलकर हम गाएंगे। सबको जय यीशु की जय। सुखी प्रभु आपको आशीष दे। जितने लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे हैं, आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ इस लिंक को अवश्य साझा करें, ताकि प्रभु का वचन उन्हें भी शुद्ध करे, पवित्र करे, आशीष और उन्नति प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।